बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दम कीमा बिरयानी बना रही हूँ और यकीन जाने ये इतनी मज़े की बनती है और बहुत ही क्विक बनती है। आप सबसे पहले जो है हम कीमे को जो है मैरिनेट करके रखेंगे। तो मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो है मैंने योगर्ट लिया है, थिक योगर्ट है, दही है, और साथ में इसमें जाएगी अदरक की पेस्ट, जिंजर पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब आप इसमें शामिल कीजिएगा। आप फ्रेश भी ले सकते हैं। और ये जो है लहसुन और सब्ज़ धनिया पुदीना और एक सब्ज़ मिर्च मैंने ली थी, उसकी मैंने इस तरह से पेस्ट बना ली। तो ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ये बन जाता है सारा मिक्सचर, तो मैं इसमें वो शामिल करूँगी। और इस तरह से मैरिनेट की हुई बिरयानी बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही टेस्टी बनती है, यकीन जाने आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके अलावा मैं जो है मैं ज़्यादा मसाले मेहरान के शान के इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं यहाँ बिरयानी मसाला मेहरान का यूज़ कर रही हूँ। आप घर के मसाले जैसे नमक, सुरख मिर्च है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मेरे पास यही वाला सिंधी बिरयानी मसाला था, तो मैं इसको 1/2 पैकेट जो है इसमें इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो मैंने इसको 1/2 पैकेट ही लिया। इसके अलावा मैं भुना कुटा हुआ धनिया जो है वो 1 टीस्पून डालूंगी, थोड़ा सा सॉल्ट भी डालूंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नमक कम था, तो इसलिए मैं इसमें अपने हिसाब से मैं इसमें नमक भी इसमें शामिल करूंगी। हल्दी भी जाएगी, फिर से कह रही हूँ आपने घर के मसाले भी डालने हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आपने इसी पैकेट से बनानी है या एक्स्ट्रा आप स्पाइसिस चाहते हैं तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और फिर इसमें हम जो है कीमा, मैं चिकन का ले रही हूँ, 250 ग्राम के करीब था। आपने जो है बीफ का भी ले सकते हैं, मटन का, जो आपको पसंद है वो आप इसमें इसको ऐड करके शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसको मैरिनेट के लिए छोड़ देना। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने उसको मैरिनेशन के लिए रख दिया था। अब जो चीज़ें हमें बिरयानी के लिए चाहिए इसमें, जैसे फ्राइज़ हैं, आप इसकी जगह दूसरे आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फ्राइज़ ही ज़्यादा अपनी बिरयानी में यूज़ करती हूँ। साथ में 2 अदद प्याज है, टमाटर है, 2 अदद सब्ज़ मिर्च है, सब्ज़ धनिया पुदीना है, ये सब लास्ट में जाएगा। और ये फूड कलर है, येलो फूड कलर, मैंने दूध में इसको सोक कर लिया है। और साथ में ये साबुत गर्म मसाले हैं जिसमें तेज़पात है, दालचीनी है, 2 लौंगे हैं, 2-3 लौंगे हैं, मोटी इलायची है। और साथ में मैं तकरीबन 1.5 कप चावल ले रही हूँ, ये लॉन्ग ग्रेन चावल हैं। और बस अब हम जो है इसके कीमा, जब टाइम हो जाएगा तो फिर हम कीमे को इसको सबसे पहले कुक करेंगे। तो इस तरह से मैंने प्याज को स्लाइस में कट कर लिया था और टमाटर को भी जो छिलके ऊपर से मैंने उतार लिए थे, क्योंकि यहाँ पर जो टमाटर है वो इतनी जल्दी जो है वो टेंडर नहीं होते। और फिर मैंने जो फ्राइज़ थे उनको भी फ्राई करके रख लिया इस तरह से ना, बहुत ही फर्स्ट स्टेप मैरिनेशन थी, सेकंड जब इसकी कुकिंग है। मैं इसको बना रही हूँ घी में और थोड़ा सा मैं ऑयल लूँगी। घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप ट्राई करके देखिएगा। डालडा घी लिया मैंने, जो सर्विंग स्पून होता है वो भर के, और साथ में थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल करूँगी। और जैसे फिर गर्म होगा तो हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे, क्योंकि हमेशा बिरयानी ज़रदा जो होता है ना उससे, वो घी में बनाए तो उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। और जैसे ही प्याज, जैसे ऑयल गर्म हो गया तो मैंने उसमें जो है प्याज शामिल कर दी। 2 अदद थी ये प्याज थी, मीडियम साइज़ की। और इसको इतना आपने इसको फ्राई करना है कि ओवर इसको नहीं आपने इसको कुक करना, और इसका कलर बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन सा आ जाए, बादामी रंग की जैसे प्याज होती है, क्योंकि इससे टेस्ट भी आपका जो होता है ना, वो सालन का जो भी आप कौरमा बनाते हैं बहुत अच्छा आता है। अगर उसको ज़्यादा ओवर कर लेंगे तो उसका फिर जो टेस्ट है वो कड़वा सा हो जाएगा, और जो सालन की जो भी आप बना रहे हैं उसकी लुक भी चेंज हो जाती है। और ये देख सकते हैं अभी प्याज ने थोड़ा सा कलर चेंज किया है, और थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा मैं करूँगी ताकि अच्छा सा नाइस सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। और जैसे मुझे लगा कि प्याज का कलर अच्छा सा परफेक्ट आ गया है, तो फिर मैंने इसमें कीमा जो मैरिनेट किया हुआ था वो शामिल किया, और इसको 4 से 5 मिनट के लिए इसको मैं अच्छे से भूनूंगी, क्योंकि इसमें एक जो गोश्त की एक अपनी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और ये अच्छे से, और वैसे भी जो चिकन का कीमा होता है बड़ी जल्दी कुक हो जाता है।
तो बस यहाँ पे इसको मैं चम्मच चलाती रहूँगी ताकि थोड़ा सा ये जो है कीमा जो है वो खुल जाए और अच्छे से इसकी भुनाई भी हो जाए। यहाँ पे कीमे को कुक होते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इस स्टेज पे आप नमक टेस्ट कर सकते हैं, नमक मिर्च, और मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा था तो मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून इसमें जो है नमक इसमें शामिल किया, सॉल्ट ऐड किया। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद मैंने फिर इसमें टमाटर शामिल किए, 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे उनको शामिल करूँगी और मिक्स करके इसको मैं दम पे रख दूँगी, क्योंकि चिकन का कीमा वैसे भी बहुत जल्दी हो जाता है और दम पे ये थोड़ा सा और अच्छा सा कुक हो जाएगा। सारे मसाले जो हैं इसमें स्पाइसेस हैं वो सारे उनका फ्लेवर आ जाएगा और थोड़े से जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ मैं इसको कवर करके दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दूँगी, दम पे इसको रख दूँगी। और साथ ही मैंने एक खुले बड़े देगचे में मैंने पानी खुला ले लिया और इसमें मैंने नमक तकरीबन जो था वो मैंने 2 चाय के चम्मच शामिल किया। साथ में मैंने ये तेज़पात और जो खड़े साबुत मसाले थे जिसमें एक दालचीनी का टुकड़ा और कुछ लौंगे, मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची और काली मिर्च ये शामिल की और ज़ीरा। खड़े मसाले मेरे घर में इतने शौक़ से मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते और मेरा बेटा भी नहीं, तो फिर मैं ज़रा थोड़े से कम ही इसमें शामिल करती हूँ। और फिर इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल भी डालूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब या 1 टीस्पून आप शामिल कर दें, उससे चावल आपके थोड़े से स्टिकी नहीं होते। और जैसे ही इसको जोश आएगा तो फिर हम इसमें चावल जो है जो सोक कर दिए थे मैंने चावल उसको मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब देख सकते हैं पानी जैसे पकना शुरू हुआ तो मैं अब इसमें जो है मैंने जो भिगोए हुए थे चावल, लॉन्ग ग्रेन राइस होते हैं ये वाले, तो बड़ी बहुत अच्छे खिले हुए चावल ये बनते हैं। कुछ लोग बॉईल करते वक्त थोड़ा सा लेमन और सिरका भी ऐड करते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप डाल सकते हैं, उससे होता है कि चावल थोड़ा सा और खिला खिला बनता है। लेकिन जब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऑप्शनल अगर आप डालना चाहें, जैसे नई नई बच्चियाँ जो सीखती हैं उनके लिए कि उनके चावल जुड़ जाते हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा लेमन के ड्रॉप्स या सिरका जो है वो उसमें ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादा आपने चम्मच नहीं चलाना होता। और तकरीबन कुछ ही मिनट्स के बाद जो चावल थे वो बिल्कुल मैंने जो है इनको फुल कुक नहीं किया, मैंने 80% इनको मैंने कुक किया था ताकि जो हमारे जो राइस हैं वो बिल्कुल खिला खिला ही बने। और इधर जो कीमा था वो भी ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुका था और बस थोड़े से टमाटर के जो चंक्स थे वो भी थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा उसको चम्मच के साथ इसको थोड़ा सा मैश कर देती हूँ। और कि जितने देर चावल बॉयल हो रहे थे तो मैंने कीमे को दम पे लगा दिया, तो उसके बाद जो है इस तरह से मैंने इसको ओपन करके तो अब इस चम्मच के साथ जो है थोड़ा सा इनको कर रही हूँ कि टमाटर जो है वो थोड़े से मैश हो जाए। वैसे तो जो कीमा है वो बिल्कुल गल चुका है, इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। और इस स्टेज पे मैंने जुलियन कट जो है 2 अदद सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर दी थी, क्योंकि कीमा और गोश्त में जब आप इस तरह भुनाई करते वक्त थोड़े से ये डाल दें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं जिसमें दम लगाने हैं वो वाली देखची जिसमें मैंने बॉयल की हैं उसी में मैं लेयरिंग करूँगी। तो सबसे पहले जो है हम जो है कीमे की हम पहले नीचे तह बिछाएँगे। मैं सिर्फ 2 लेयरिंग करूँगी, आपकी मर्ज़ी है, आप सिंगल भी कर सकते हैं, मैं सिंगल भी लेयरिंग करती हूँ। कभी होता है कि एक ही दफ़ा मैं नीचे सालन की तह लगा लेती हूँ और ऊपर राइस की, तो आज मैं इस तरह से लगाऊँगी। Thank you.
और सबसे लास्ट वाली जो है लेयर उसमें मैं थोड़ा सा घी भी एक खाने का चम्मच जो है वो शामिल करूँगी और फूड कलर भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि घी से जो है ना फिर बता रही हूँ कि बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा और चावलों में एक शाइन सी आएगी। तो यहाँ अच्छे से लेयरिंग हो गई थी, फूड कलर भी मैंने ऐड कर दिया था, घी भी इसमें शामिल कर दिया था। तो अब हम इसको लगाएंगे दम। तो पहले तो आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको थोड़ा सा लो टू मीडियम, जो मीडियम होती है उस पे आपने इसको रखना है। उसके बाद 10 मिनट के लिए आपने इसको बिल्कुल लो पे इसको छोड़ देना है, ठीक है। और जितना अच्छा दम होगा उतने अच्छे आपके चावल बनेंगे। और ये देख लें 10 मिनट के बाद तकरीबन ये जो है चावल हमारे तैयार हैं। और मैं इस तरह से हल्के हाथों से, आपने बिल्कुल जो है उसको बिल्कुल रफ जो है चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि चावल फिर वो है वो टूट जाता है। तो हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। ये थी आज की दम कीमा बिरयानी और होपफुली आपको रेसिपी पसंद आएगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त और दुआ में याद रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।